तंदूरी चिकन। बस सुन के आ गया ना मुंह में पानी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ तंदूरी चिकन रेसिपी। एक बार से खाएंगे तो हमेशा ऐसे बनाना पसंद करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है फुल चिकन 1 kg का। इसे मैंने अच्छी तरह से विनेगर पानी में वॉश कर लिया था। उसके बाद इसे हम एक चाकू की हेल्प से गरी गरी इस तरह से हम कट लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पर डिप डिप कट लगाना है ताकि मसाले और नमक अच्छे अंदर तक जा सके। तो हमें यहाँ पर 4 से 5 एक तरफ और 4 से 5 एक तरफ लगा देना इस तरह से। और 1 से 2 कट हम लगाएंगे चिकन के लेग पर, देखिए इस तरह से। आप यहाँ पर चाहे 2-4 जितना आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बस देखिए, मैंने यहाँ पर सभी तरफ से कट लगा कर रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर चाहिए 1 लीटर पानी। उसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक यानी कि 1 चम्मच। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नींबू का रस यानी कि मैंने 1/2 पीस का यूज किया है। और सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम चिकन इसमें ऐड करेंगे और 1 घंटा के लिए हम चिकन को पानी में छोड़ देंगे। 1 घंटा हो चुकी है, अब इसे हम निकाल के रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि पानी जो है अंदर से अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना 1 बड़े बाउल, उसमें हम लेंगे 100 ग्राम दही और अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बस मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक ग्रीन चिल्ली का पेस्ट। तो करीब मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच का यूज़ किया है। 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हम डालेंगे जीरा पाउडर और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच का कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा हम डालेंगे गुलकी पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच से कॉर्नफ्लोर। आप यहाँ पर चाहे तो फ्रेंड्स मैदा भी यूज कर सकते हैं, यानी कि मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी डाल सकते हैं। इसे डालने से ये होता है कि चिकन में जो मसाला आप लगाएंगे तो क्या होगा, अच्छी तरह से कोट होगी और जब इसे हम पकाएंगे तो निकलेंगे नहीं मसाला, इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो बस मैंने इसे अच्छी तरह से किया है मिक्स। इसमें हम चिकन को रख के अच्छी तरह से मसाले को हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मसाले में चिकन को अच्छी तरह से कोट कर लिया है। इसे हम ढक कर रख देंगे करीब 2 घंटा के लिए मैरिनेट के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को अच्छी तरह से हीट कर लिया है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर एक जाली इस तरह की, आपके घर में जो भी जाली है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन मसाले मिक्स किया हुआ यानी कि मैरिनेट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर चिकन के लेग में धागा बांध दी थी। अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे और हम 40 मिनट के लिए धीमी आंच में इसे स्लो आंच में इसे पकाएंगे। देखिए यहाँ पर 40 मिनट हो चुकी है, तो चिकन जो है अच्छी तरह से पक चुकी है, अंदर तक जूसी हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और ठंडा कर लेंगे 5 मिनट के लिए। वो हल्का ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पर एक ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ सरसों का तेल। आप यहाँ पर जो भी तेल खाते हैं वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एक जाली गैस के ऊपर रख के इस तरह से सेक लगा देंगे चिकन के ऊपर। इससे क्या होता है फ्रेंड्स की टेस्ट अच्छी आती है, स्मोकी फ्लेवर आती है। तो बस मैंने सेक लिया है। अब इसे हम सर्व करने के लिए नींबू का जूस इसमें यूज करेंगे। अब इसमें जाएगा फ्रेश कटी हुई धनिया का पत्ता। बस मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता डाल दिया है। अब इसमें मैं सर्व करूंगी प्याज के साथ में। तो मैंने यहाँ पर गोल गोल करके इस तरह से प्याज के लच्छे काट लिए हुए हैं। तो बस मैंने यहाँ पर प्याज रख दिया है और रख देंगे 1 नींबू। तो बहुत आसान है बनाना फ्रेंड्स, एक बार बना के देखिएगा, मेरे तरीके से आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और हमें प्यार प्यार कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा ये चिकन तंदूरी बन के रेडी हुई है। अगर सच में आपको अच्छी लगी हो मेरी रेसिपी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ और अच्छी अच्छी वीडियो लाने के अंदर से प्रेरणा मिलती है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से कीजिएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चिकन को तोड़ के, देखिए बहुत आराम से यहाँ पर टूट जाती है, बिल्कुल जूसी बनी है। आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर चिकन खाना पसंद है तो मेरे तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।